उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के कस्बा बेसवा में बने नवनिर्मित हॉस्पिटल का पुराना मुख्य द्वार बंद किया, जनता में आक्रोश। कस्बा में गुड़ई रोड पर बने नवनिर्मित हॉस्पिटल का मुख्य द्वार बंद कर अब मुख्य द्वार को गुड़ई रोड पर कर दिया गया है, जबकि पुराने हॉस्पिटल का मुख्य द्वार कस्बा की तरफ था, जिससे कस्बा के मरीजों को जाने में सहूलत रहती थी। अब उस मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है, जिससे कस्बा के लोगों में आक्रोश है। कस्बा के लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल का एक द्वार कस्बा की तरफ वाले रास्ते पर निकाला जाए, जहां पहले द्वार था, जिससे कस्बा के मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने में सहूलत रहेगी। गौरई रोड पर बने मुख्य द्वार कस्बा के मरीजों के जाने के लिए अधिक दूरी पर है, इसलिए जनता की मांग है कि एक द्वार कस्बा की ओर आने वाली सड़क पर भी निकाला जाए, जिससे कस्बा के लोगों को लाभ मिले। जनता की मांग है कि बस्ती की तरफ से जो गांव की तरफ से मरीज आते हैं, वो अंदर होके जो पूर्व में गेट बना हुआ है उसकी वहीं की वहीं रहे, जबकि नगर पंचायत बेसवा द्वारा मेन गेट की तरफ से रोड का निर्माण कराया गया था हॉस्पिटल के लिए, मरीजों के आने जाने के लिए। जो इन्होंने इन्हें गलत किया है, जाने आने का रास्ता यही ठीक रहेगा मरीजों का। मेन रोड गोरई वाली रोड से अगर ले जाएंगे तो चलते फिरते में कोई न कोई एक्सीडेंट वगैरह मरीजों के साथ होता रहेगा, जो यहाँ की बस्ती के हक में नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ का मेन गेट है उसे खोला जाए और एक रास्ता इधर से रखा जाए और एक रास्ता गोरई वाली रोड से रखा जाए। जनता की मांग यही है कि गेट इधर ही होना चाहिए। आम जनता बेसवा किला की, क्योंकि ये अस्पताल बेसवा किला का ही है, मुख्य है, इधर से जब मुख्य जनता आती है, आवागमन जनता का इधर से ही रहता है। वहीं कस्बा के बुजुर्गों की मांग है कि पूर्व में हॉस्पिटल का जो गेट था उसे पुनः कस्बा की जनता के लिए खोला जाए, जिससे कि मरीजों को उपचार के लिए जाने में परेशानी ना हो। कस्बा के चेयरमैन मनोज कुशवाहा, सोम प्रकाश कटारा, सत्यदेव कटारा, रमेश चंद्र तिवारी, बाके बिहारी कटारा, विष्णु गोयल, प्रताप चौधरी, शिलेंद्र सोनी, माधव प्रसाद उपाध्याय, सभासद पूनम देवी, इकराम खां, मुरारी उपाध्याय आदि कस्बा के लोगों की मांग है कि हॉस्पिटल का एक द्वार कस्बा की ओर आने वाली सड़क पर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्कार न्यूज़, अलीगढ़।